दोस्तों, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा के मेरी सभी लेटेस्ट वीडियो का अपडेट सबसे पहले लो। थैंक यू गाइस। क्या आप एक इन्वर्टर परचेस करने की सोच रहे हैं? तो रुको, यह वीडियो आपकी काफी ज्यादा मदद करेगी एक बेस्ट इन्वर्टर परचेस करने में, क्योंकि आज मैं आपको इंडिया का नंबर वन इन्वर्टर जिसका नाम ल्यूमिनस है, इसकी अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू बताऊंगा कि ये कैसा है, परचेस करने लायक है या नहीं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। इस इन्वर्टर का नाम ल्यूमिनस इको वोट प्लस 850 है। इस सेम मॉडल में आपको अलग अलग पावर के इन्वर्टर मिल जाएंगे। जैसे मैंने 850 वोट का लिया है, अगर आपको 650 का लेना है तो 650 का ही मिल जाएगा। अगर आपको इससे ज़्यादा हाई पावर का यूज़ करना है तो आप इससे हाई पावर का भी यूज़ कर सकते हैं। वो आपकी खपत के ऊपर डिपेंड है कि आप इससे कितने अपने घर के पॉइंट्स देना चाहते हैं। यह इन्वर्टर घर, ऑफिस या शॉप, हर जगह के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसकी कीमत की बात कर ली जाए तो बॉक्स के ऊपर 6,700 रुपये इसका अमाउंट लिखा हुआ है, लेकिन मैंने इसे बाहर किसी शॉप से खरीदा है, मतलब ऑफलाइन। इसकी कीमत मुझे 3,500 रुपये मिली है, जो बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसकी वारंटी आपको 24 महीने की मिलेगी, मतलब 2 साल की। वैसे भी ल्यूमिनस की सर्विस सबसे ज़्यादा बेस्ट होती है, क्योंकि मैं काफ़ी सालों से अपने घर पर बैटरी और इन्वर्टर का यूज़ कर रहा हूँ, जिसकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम तक होती है। यह 2 साल बोलते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा साल आगे तक इसकी लाइफ चलती है। चलिए अब इसकी मैं अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ। इसको ऊपर से टेप लगी हुई है, इसे मैं अब कटिंग कर लेता हूँ। ध्यान रहे, सीजर से इसे काटना और ध्यान से अपने हाथ को बचा कर, क्योंकि कहीं हाथ ना कट जाए। इसलिए देखिए, मैं बिल्कुल केयरफुली इसको हटा रहा हूँ। इसकी जितनी भी टेप्स हैं उनको केयरफुली काटा है। अब ये ओपन हो गया। अब यहाँ पे देखिए, आपको थर्माकोल के साइड में दोनों तरफ सपोर्टर मिलेंगे, ताकि ये अंदर मशीन इसकी काफ़ी भारी होती है, कहीं टूट फूट ना जाए, इसलिए इसको सपोर्ट के लिए रखना पड़ता है। इसके अंदर और कुछ तो है नहीं, इसको मैं डब्बे को साइड कर देता हूँ। अब ये थर्माकोल के ये दोनों को भी साइड कर लेता हूँ। ये साइड किया, ये थैली से मैं हटा देता हूँ एक बारी। ये थैली से हटा दिया। इसके अंदर आपको एक मेन्यू मिलेगा। अब ये मेन्यू आपको मैं दिखा देता हूँ एक बारी। इस मेन्यू के साथ आपको एक अटैच फ्यूज़ मिलेगा, एक तो इसके अंदर लगा ही होता है इन्वर्टर के अंदर, और एक एक्स्ट्रा देते हैं अगर बाई चांस आपका फ्यूज़ ख़राब हो जाए तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं अपने इन्वर्टर में। अब मैं आपको इन्वर्टर का लुक दिखा देता हूँ। इसका वजन काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए इसे केयरफुली उठाएं, ताकि आपके हाथ से फिसल ना जाए। आपको देखिए, सामने की तरफ ल्यूमिनस की ब्रांडिंग दिख जाएगी और सामने आपको अलग अलग मेन्यू दिख रहे होंगे, और एक बटन होगा इसमें स्विच ऑफ और स्विच ऑन करने के लिए इन्वर्टर को। ठीक है, ये इको वाला है तो इसलिए इको लाइट भी है इसमें। इस इन्वर्टर को इसलिए इको कहा गया है क्योंकि यह बिजली काफ़ी ज़्यादा कम चूसता है और आपके बिल के ऊपर ज़्यादा असर नहीं पड़ता इससे। अब इसको मैं आपको थोड़ा घुमा के दिखा देता हूँ। अब देखिए, बैक साइड की तरफ इसको आपको दिख रहे होंगे, एक तो इसका पंखा है जो इसे गर्म होने से बचाता है, मतलब हर टाइम चलता रहता है ताकि इसको ये गर्म ना हो, और ये वायर्स है अलग अलग तरह की। इसको मैं आपको खोल के एक बार दिखा देता हूँ। ये थोड़ा मैं खोल देता हूँ अच्छे से, ये खोल दिया। लाल और ये काली जो आपको वायर दिख रही है, ये आपके बैटरी के अंदर लगेंगी। ठीक है, अब ये जो ब्लैक वाली मोटी वायर देख रहे हो जो आप, इसको मैं आपके पीछे से निकाल देता हूँ। ये मेन इसकी वायर है जिससे बिजली लेता है, मतलब जो बैटरी को बिजली सप्लाई करेगा ना, ये वो वाली वायर है। और जहाँ पर ये लगी हुई थी, यहाँ पर आपकी वो वाले स्विच लगेगा जिससे आपके पूरे घर में बिजली आती है, ये वो वाला स्विच है। अब ये देखिए, यहाँ पे आपको एक फ्यूज़ का ऑप्शन दिख रहा होगा, ये फ्यूज़ वाला साइड में, तो ये यहाँ पे अटैच होता है। आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए, यहाँ पर ये फ्यूज़ लगा होता है वैसे ऑलरेडी कंपनी की तरफ से, ये एक एक्स्ट्रा इन्होंने दिया हुआ है। आप बाई चांस अगर फ्यूचर में ख़राब हो जाए तो आप लगा सकते हैं, लगाना चाहे तो। इसमें आपके बैक पे सारे सीरियल नंबर आपके, और ये एक बॉक्स है जिसके अंदर लाइट जलती है, जब आपका इन्वर्टर ऑन होगा ना तब यहाँ पे एक लाइट भी जलती है। अब मैं किसी बिजली वाले को बुला लेता हूँ, तभी वही लगाएगा मेरे घर पे आके, तो मैं उसका वेट कर लेता हूँ। अब ये देखिए, बिजली वाले ने मेरे आके लगा दिया है, मतलब लगा ही रहा अभी, तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा इसका बैक का बता रहा हूँ कि ये देखिए कहाँ लाइट जलती है। मैंने आपको दिखाया था ना, तो लाइट जलती है, तो अभी इसकी काफ़ी ज़्यादा वायर्स हैं जो भी लगानी रहती है, तो अभी आपको वो भी मैं दिखाऊंगा इसको ऑन करके भी। तो मैं आपको इसकी दिखा रहा हूँ, देखो ये बैटरी है इसकी, मेरे को जितनी ज़रूरत थी मैंने उसी हिसाब से बैटरी परचेस करी है। ये देखिए, मेरा ऑन हो चुका है। आपको इन्वर्टर के अंदर 3 मेन लाइट जलती हुई दिख रही होंगी, एक तो पावर की जो सबसे पहली है, जो दूसरी है बैटरी चार्ज होने की, और तीसरी है जो इको, मतलब आपकी बिजली को बचा रही है। जैसे ही मैंने एक बटन को बंद किया तो इसकी इको की लाइट बंद हो गई, क्योंकि ये इन्वर्टर अब बंद हो गया है, इसका मतलब ये था। ठीक है,
अब मैं आपको लाइट बंद करके एक बार दिखा देता हूँ। जब आपकी मेन इलेक्ट्रिसिटी चली जाएगी तो कौन सी लाइट जलेगी, तो ये इको की लाइट ऑटोमेटिकली आपकी जल जाएगी। तो मतलब आपके घर के अंदर इन्वर्टर चल रहा है, तो ये इसलिए ये उस लाइट को दिखा रहा है। अब जैसे ही लाइट आ जाएगी तो वापस से आपकी मेन लाइट और एक बैटरी चार्ज होने की लाइट जल जाएगी। तो मैं आपको ऑन करके भी दिखाता हूँ। ये देखिए, ये पहली लाइट जल गई, अब ये दूसरी लाइट जल गई। ये इन्वर्टर काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।